अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकाटिव चैनल। कुकाटिव चैनल पे वेलकम। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डॉलर्स का रेफ्रिजरेटर्स है। डॉलर्स के रेफ्रिजरेटर्स को हमने पहले कवर किया था, वो दूसरे छोटे साइज़ का था, ये अब साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। और ये इसको फ्रंट डोर भी कहते हैं, ड्रेड पुल के साथ है और ग्लास ऑप्शंस के साथ है। फ्रंट डोर ग्लास भी है और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। और ये लोग, इसकी भी गारंटी वही है, 12 साल कंप्रेसर की वारंटी है और 1 साल पार्ट्स की वारंटी दे रहे हैं आपको। और ये जितना बनता है, ये नीचे इसका फ्रिज है, बहुत अच्छी गुंजाइश मिल रही है फ्रिज के अंदर आपको। फ्रिज के अंदर आपको 3 शेल्फें दे रहे हैं, 1, 2, 3 शेल्फें हैं। और एक इसमें आपका ये बॉटल रैक्स है, 6 बॉटल्स आपकी, 6 बेवरेज बॉटल्स आपकी आराम से आ सकती हैं। और एक ट्रे इसके अंदर ऑप्शन है, एक ट्रे की ऑप्शन है इसमें। और जो 4 शेल्फें मिल रही हैं इसमें आपको डोर्स की, ना डोर की 4 शेल्फें हैं इसमें। और उसके अलावा इसमें इन्होंने एक प्लस पॉइंट दिया है, ये सामने फ़ैन लगाया है, ये कूलिंग फ़ैन लगाया है। नीचे डबल लाइट्स दी है और कूलिंग फ़ैन दिया है। कूलिंग फ़ैन से ये होता है कि अगर आपकी इस डोर से लेकर और वो लास्ट बॉटम तक एक जैसी कूलिंग को मेंटेन कर देगा, कि वो बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है इसलिए कूलिंग को मेंटेन बड़ा अच्छा कर लेता है ये। और इसके अंदर भी ये फ्रीज़र की ऑप्शन है, ये आपको दिखाते हैं, फ्रीज़र की ऑप्शन है। फ्रीज़र की ऑप्शन के अंदर फ्रीज़र में भी लाइट दी हुई इन्होंने, और ये आइस बॉक्स दिया हुआ है। इस तरह इस 4 शेल्फें मिल रही हैं इसमें भी आपको, 1, 2, 3, 4 शेल्फें हैं इसमें। और ये ट्विस्ट बॉक्स का मतलब ये है कि अगर आपने इस पानी लगा रखा है, जो क्यूब्स बने हैं आपने इसको प्रेस करना है, तो क्यूब्स ऑटोमेटिकली इस बॉक्स में आ जाएंगे। कि आपकी बॉक्स भर गई है तो आप यूज़ कर लें, आपकी बनती जाएगी तो इसमें ट्विस्ट करते जाएँ आप। और सेकेंडली इसके अंदर आपका ये इन्होंने शेल्फ एक दी है, एडजस्टेबल शेल्फ रैक्स हैं, 1, 2, 3 पोर्शन में एडजस्ट कर सकते हो, शेल्फ रैक एक ही है। और हाँ, ये यूनिट बाय करने, जब आप फ्रेश यूनिट लें तो ये हदायत कंपनी ने लिखी हुई हैं स्पेशली, कि इसको जो भी हदायत सारी इसके ऊपर लिखी हुई है, इस पर अमल लाजमी कीजिएगा। और बर्फ़ ये 5-वे कूलिंग के साथ है, और इसके साइड लेफ्ट राइट अप डाउन में बर्फ़ अगर फ्रीज होती है आपकी, मोटी मोटी तय बर्फ़ की जम जाती है और इसको साफ़ करना है। और कंपनी ने बाकायदा इसको मेंशन किया हुआ है कि ना आपने इसके ऊपर पेचकस, छुरी और फोक वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, ताकि ये डैमेज ना हो जाए। अगर डैमेज हो गया, गैस लीक हो गई, तो बहुत लॉस होता है। तो बेहतर ये कीजिएगा कि इसमें ये 3 चीज़ें आपने हरगिज़ यूज़ नहीं करनी, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए इन फ्यूचर्स ना। और दूसरा, इसके अंदर आप अगर देखोगे कि इन्होंने बॉक्स साइज को काफ़ी बड़ा कर दिया है, अदर शेल्फ भी काफ़ी बड़ा और बड़ा गुंजाइश बड़े मज़े की है। हम इसको बेसिकली फ्रंट डोर कहती है कंपनी, इसको फ्रंट डोर कहते हैं। फ्रंट डोर सेंस में कि 1, 2 डबल डोर ऊपर और डबल डोर नीचे मिल रहा है आपको, इसको फ्रंट डोर कहा जाता है। और इसकी जो अफादियत में हम आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा और ये अंदर से दिखाइएगा। थोड़ा सा मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ मज़ीद इसमें, इसमें इन्होंने एक्ट्रे 12 साल वारंटी रखी हुई है, 12 साल वारंटी है इसकी कंप्रेसर की, और 12 साल कंप्रेसर वारंटी है। 20 क्यूबिट फिट का रेफ्रिजरेटर है, 600 लीटर बनता है और 20 क्यूबिट फिट का है। ड्रेड पूल के साथ है, एनर्जी सेविंग है, फ्रेंच डोर है, ग्लास डोर है और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। लो वोल्टेज स्टार्टअप की, अगर 4 एम्प वोल्टेज अगर आपकी कम आ रही है तो वोल्टेज कम पे भी आपका 135 वॉट्स आ रहा है तब भी ये प्ले हो जाएगा यूनिट। साइड बाई साइड कहता है 100% कॉपर है, 5-वे कूलिंग है ऊपर की, अप डाउन लेफ्ट राइट और सामने 5-वे कूलिंग कहलाती है। और इसका ये जो मैं बता रहा था आपको कि इसका ये जो ये वाला जो है ना, इसका रबर एंटी फंगस है, इसमें फंगल नहीं आएगा इसके ऊपर। ये आपका बड़ा अच्छा है, इसमें अगर आप वॉश भी करें, जब कभी इन फ्यूचर वॉश करें तो इसको उतार के गर्म पानी से आराम से वॉश कर सकते हो आप। गर्म पानी से वॉश करके इसको दोबारा इंस्टॉल कर लें, कोई कंपनी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये थर्मोस्टेट है इसका, और थर्मोस्टेट ये इसका थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट की एडजस्टमेंट जिसकी जिसमें 7 पे जाते हैं तो ज़्यादा होती है, 1-2 पे कम होती है। और हाँ, इसकी सेफ्टी मेजरमेंट यही है आपकी, कि इसके लिए सेफ्टी मेजरमेंट इसकी यही होती है कि मैंने आपको ये बताया, ये सेफ्टी मेजरमेंट। और जब आप नया बाय करना आपने तो इसको 8 घंटे तक एक्टिव नहीं करना, उसके बाद आप जैसे मर्जी एक्टिव कर लें, और खाली एक्टिव करना है, 1 गिलास पानी में रखना है, उसके बाद आप जैसे मर्जी इसको यूज़ कर लें। एक दफ़ा इसको कूलिंग प्रॉपर करने दें, फिर जैसे मर्जी इस्तेमाल करें तो गुड होता है। और इसके अलावा इसमें इन्होंने गैस, वही जो पहले मैंने बताया था छोटे फ्रिज के अंदर, इसमें भी इन्होंने गैस R600 यूज़ की है, जो आपकी एनर्जी सेविंग है। हाँ, 55% एनर्जी सेव करता है ये आपका।
और सेकेंडली इसमें आपका वो गैस का जो बता रहा था एनर्जी सेविंग करता है और कूलिंग करता है, और इसकी 12 साल कंप्रेसर वारंटी है और 1 साल पार्ट्स की वारंटी है। और इसके अलावा मेरे ख्याल में मज़ीद अगर कोई टेक्नोलॉजी आपको चाहिए हो पता करना हो आपने, ये मेरा फेसबुक नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप इसमें रब्ता कर सकते हैं, कुछ सजेशन ले सकते हैं। प्राइस का मैं हर दफ़ा ये वीडियो बता रहा हूँ आपको कि प्राइस की स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से प्राइस में कोड नहीं कर पाता, प्राइस कोड कर दिए फिर प्राइस अप डाउन चल रही है, प्राइस को अंदाजा नहीं है। हाँ, अगर आपने प्राइस ज़्यादा लेना हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर पर प्राइस ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो आपने वीडियोज़ देखी है जो प्राइस लेनी है आपने वो मौजूदा प्राइस जो होगी इंशाल्लाह कम हो या ज़्यादा हो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, और मार्केट से कम ही होगी प्राइस। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी मोहब्बतों चाहतों का बहुत शुक्रिया। हेल्दी खाएँ, हेल्दी रहें, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम जी।